बच्चों तो सूर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आप लोगों को हृदय पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग एक बात बता देता हूं हृदय जो होता है हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है सात नंबर में आएगा तो आप लोगों को एक बात बताते हैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत आसान तरीके से एक बार वीडियो को देख लीजिए भगाइएगा मत आराम से आपको आ जाएगा ये हमारी सौ गारंटी है तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर हृदय का संचित वर्णन क्रिया क्रियाविधि को समझाइए मतलब संचित वर्णन भी करना है और क्रियाविधि को क्या करना है क्रियाविधि और संचित वर्णन को समझाना भी है तो आइए स्टार्ट करते हैं हृदय हर्ट मानव हृदय एक पेशी अंग हो ठीक ना मानव हृदय एक पेशी अंग है जो गुलाबी रंग का मुट्ठी के आकार का होता है कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा हृदय होता है वो गुलाबी रंग का होता है पिंक होता है ठीक है न कैसा होता है आकार में मुट्ठी का आकार का होता है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है ठीक ना अब आते हैं और इसकी औसत वजन जो है इसकी औसत वजन तीन ग्राम होता है यह शरीर का केंद्रीय पंप अंग है मतलब कहने का अर्थ ये है ये जो शरीर का जो का करता है काम यही है इसका पंप करना ठीक है ना पंपिंग अंग है हमारा हृदय चार कोष्ठकों में बांटा होता है आप लोगों को बता देते हैं हमारा जो हृदय होता है उसमें चार चेंबर होते हैं बहुविकल्पिंग क्वेश्चन आता है ठीक है ना चार चेंबर में कौन कौन से होते हैं अब इसके बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें ऊपर दो अलिंद तथा नीचे दो क्या होते हैं नीचे दो पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं तो नीले पाए जाते हैं नीले नीचे दो नीले पाए जाते हैं ठीक है ना अब आप लोग एक बात बता देते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ऊपर क्या पाया जाता है तो यहां पर आप लोग चित्र में देखिए ध्यान से चित्र में देख लीजिए ये चार चेंबर हो गए वन टू थ्री फोर अब इसमें ये देखा जाए चित्र में तो देखिए यहां पर यहाँ बायां आलिंद हो गया ये क्या हो गया दायां आलिंद हो गया ये क्या हो गया नीचे देखिए दायां हो गया नीला अब ये हो गया निलय ठीक है ना अब आप लोगों को देखिए एक दो तीन चार चार चेंबर हो गए ठीक है ना अब इस चार चेंबर में जैसे हृदय देखने में तो बता रहा हूं बहुत सारे बनते हैं हृदय का वही होता है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये सिंपल कर दिया गया है ठीक है ना आप लोग बोर्ड पेपर में इसको बनाना चेम्बर टाइप में बनाना ठीक है ना नहीं तो आप लोग क्या करोगे बड़ा वाला हृदय ले लोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे क्योंकि चित्र बनाओगे कि थ्योरी लिखोगे दो नंबर का चित्र आता है या थ्योरी आता है तो पूरा कहाँ तक लिख पाओगे तो ये भी सिंपल होता है बहुत सिंपल है इसी तरह का आप लोग बनाइएगा ठीक है तब इसमें आते हैं अब इसमें एक बात और बता देते हैं इसकी लंबाई जो होती है बारह सेंटीमीटर होती है चौड़ाई जो होती है चौड़ाई आप लोगों को लिखवाया था कितना नौ सेंटीमीटर होती है मोटाई कितनी होती है तो यह मोटाई जितनी होती है इसका छः सेंटीमीटर की होती है तो यहाँ पर लिखवाया हूँ देखिए एक बार और लिखा है मानव हृदय एक पेशी अंग है जो गुलाबी रंग का मुट्ठी के आकार का होता है ठीक ना जिसकी लंबाई जो है बारह सेंटीमीटर ये जो लंबाई होती है ये कितनी है इसकी बारह सेंटीमीटर है ठीक है ना और उसके बाद से लिखा है चौड़ाई चौड़ाई जो होती है कितनी है नौ सेंटीमीटर है और मोटाई जो होती है छः सेंटीमीटर है इसका औसत वजन कितना होता है तो टोटली ये अगर तोला जाए तो तीन सौ ग्राम के आसपास में आएगा लगभग में ठीक है ना तो तीन सौ ग्राम में आ जाएगा अब यहाँ देखा जाए यह शरीर का केंद्रीय पंप अंग है हमारा हृदय चार कोष्ठकों में बाँटा होता है जिसे बटा होता है जिसमें दो ऊपर अलिंद तथा नीचे जो होते हैं नीले पाए जाते हैं दो ठीक है ना देखिए यहाँ पर दो ऊपर जो है अलिंद है ऊपर अलिंद होते हैं नीचे क्या होता है नीले होते हैं नौ से नीचे से नीले याद रखिएगा ठीक है ना उस से ऊपर ऊपर से अलिंद हो जाएगा याद रखिएगा इस बात को शरीर का अशुद्ध रक्त महाअशीरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है इसके बाद रक्त फुफूस धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंचता है आप लोगों को एक बात बता देते हैं सबसे पहले रक्त जो होता है ठीक ना कहाँ आता है तो यह बताया शरीर के शुद्ध अशुद्ध रक्त जो होता है महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है जो अशुद्ध रक्त होते हैं कहाँ आता है महाशिरा द्वारा आता है महाशिरा इसमें देखिए कहाँ महाशिरा जो होता है उसके द्वारा आता है इसमें ठीक है ना अब इसमें ध्यान देने की बात यह है महाशिरा द्वारा आता है कहाँ गया इसके बाद रक्त फूफ्फूस धमनी द्वारा फेफड़े में पहुँचता है रक्त जो होता है फुफ्फूस द्वारा क्या होता है फेफड़े में पहुँचता है जहाँ अशुद्ध रक्त को शुद्ध हो जाता है मतलब कहने करते हैं जहाँ पर अशुद्ध रक्त होता है वहाँ पर क्या करता है उसको शुद्ध बना देता है ठीक है अब आगे चलते हैं और यह फुफ्फूस शिरा द्वारा बाएँ अलिंद में आता है तत्पश्चात शुद्ध रक्त बाय नीले में आ जाता है कहने करते हैं लास्ट में क्या होता है तत्पश्चात शुद्ध रक्त बाय नीले में आ जाता है तो याद रखिएगा कहाँ पहुंच जाता है तो बाया नीले में पहुंच जाता है ठीक ना फिर रक्त धमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है कहने का अर्थ है कि जब आ जाता है शुद्ध रक्त वहां से धमनी द्वारा क्या होता है पूरे शरीर में चला जाता है तो आप लोग इसको वैकल्प्य में आएगा रक्त धमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है या फैल जाता है ठीक ना तो ये आप लोगों को अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा इसको राइट कर लीजिएगा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा हृदय के बारे में तो आप लोग देख लीजिए हृदय के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिखने की कोशिश मत कीजिएगा लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रॉब्लम रहेंगे एक दो तीन चार चार को लिख लेंगे एक दो तीन चार तीन कितना हो जाएगा सात हो जाएगा ये पहला वाला लिख लीजिए यहाँ पर ये लिख लीजिए ये अग्र महाशिरा है यहाँ महाधमनी है यहाँ फुसफुस हो गया ये आइए हो गया ये हो गया हमारा क्या हो गया माया लिंद हो गया दयालंद हो गया आइए दाया नीले हो गया ये बायां नीले हो गया तो इतना ही आप लोग लिख लोगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएंगे तो आप लोगों को लिखना क्या होता है सिंपल आप लोग सुन लेंगे अगर ना तो आराम से लिख सकते हैं तो आप लोगों को लिखना ये है कि हमारा जो हृदय होता है पेशी अंग होता है फर्स्ट नंबर आप लोग लिखिएगा पेशी अंग है ठीक है दूसरा जो होता है गुलाबी होता है तीसरा मुठ्ठी काकार का होता है लंबाई जो होती है तो आप लोग लंबाई याद कर लेना बारह सेंटीमीटर चौड़ाई नौ इसमें कितना छः हो जाएगा इसका औसत वजन जो होता है आठ सौ तीन सौ ग्राम होता है और इसमें कुछ लिखने जो होते हैं ये चार कोष्टक इसके होते हैं दो ऊपर का नीले होता है आलिंद होता है नीचे का क्या होता है नीले होता है ठीक है ना लास्ट में लास्ट में क्या उसके बाद से लिखना ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दाया आलिंद दयालिंद में अशुद्ध लेकर आते हैं और क्या होता है लास्ट में शुद्ध किस में बना देता है तो बाया नीले में क्या होता है ये लास्ट में देखिए ये शुरू है ये शुरू यहाँ से हमको मिलेगा अशुद्ध रक्त यहाँ पर क्या मिलेगा शुद्ध रक्त मिलेगा और धमनी द्वारा पूरे शरीर में क्या करते हैं फैला देते हैं ठीक ना तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अच्छे से तो आप लोग इस बात को समझ में अच्छे से आ गई होगी देख लीजिए अच्छे से तो ये जो है हार्ट के लिए है ठीक ना क्लास दस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हृदय का निम्नांकित चित्र बनाइए और उसको पूरे अच्छे से कार्यविधि द्वारा समझाइए ठीक है ना तो आप लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आई होगी ठीक ना अगर समझ में आई तो लाइक बनता है अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं थैंक यू